आप देख रहे प्राणेश 24 इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर किसानों के लिए आज पीएम मोदी ने एक नई संवेदना जताई है। जी हां, जो पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो एक योजना लाए थे, किसान सम्मेलन निधि योजना लाए थे, आज उस पर किसानों के हित में आज सरकार ने बात की है। लगातार पीएम मोदी ने 12 बजे से लेकर कई घंटों तक किसानों के लिए बात की थी, संवाद की बात की थी। और जो खबर है आज की चर्चा में हमारे साथ है, मेरे साथ है राम निवास रघुवंशी, युवा जिला अध्यक्ष आगरा से हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन से मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम निवास विलास जी, रघुवंशी जी, कैसे हो जी? जी, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि सर, लगातार किसानों का जो आंदोलन है, आज 30वां दिन है, एक महीना पूरा हो चुका है किसानों को आंदोलन करते करते, लेकिन सरकार और किसान के बीच जो लगातार बैठक हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, वार्ता पे वार्ता, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए कोई भी हित की बात नहीं की है अभी तक। और हालात की जो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था किसानों के लिए, सरकार ताकि किसान सरकार से बात करे, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को सरकार को लेने से मना कर दिया था, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? आज पीएम मोदी ने आज किसानों के लिए संवाद किए, किसानों के लिए कह रहे हैं पीएम मोदी कि जो कृषि कानून है उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस तरह से 28-29 दिन से देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में पड़ा हुआ है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वो वहां किसानों के बीच में क्यों नहीं आ जाते? जब वोटों का समय होता है तो यही देश के राजनीतिक पार्टियां और सरकार किसान के खेत खलियान पर जाती है और उनसे पूछती है कि आपके दुख सुख में हम साथ देंगे, लेकिन आज जब वही पालनहार, वही अन्नदाता किसान आज दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार को वहां आना चाहिए और किसानों से पूछना चाहिए कि आप अपने खेतीबाड़ी को, घर परिवार, बच्चों को छोड़कर आज दिल्ली की सड़कों पर क्यों पड़े हैं? सरकार ये भी कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, क्या किसानों को विपक्ष भड़का रही है? अगर कोई भी संगठन की पार्टी के लोग किसानों की सहायता करते हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े होते हैं किसानों के साथ, तो सरकार को दिखाई देता है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। क्या किसानों को इतना समझ नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है? बिल्कुल राम निवासी, मैं आपको बता देता हूँ, देश में जितने भी किसान संगठन है वो अराजनैतिक संगठन है, उनका किसी भी पार्टी विशेष से, जाति विशेष और व्यक्ति विशेष से कोई भी सरोकार नहीं है। ये लड़ाई पूरी किसान अपने बलबूते पर, अपनी हक की लड़ाई, देश के स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की संवैधानिक जो मांगे हैं उनके लिए दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है, और जब तक देश का किसान नहीं उठेगा, जब तक ये 3 बिल वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर सरकार गारंटी। लेकिन आज पीएम मोदी ने तो एमएसपी रेट को लेकर रिकॉर्ड किया है, कहा है कि आज एमएसपी जो एमएसपी है उस पर काफी कुछ किया है, रिकॉर्ड जैसे किया है। नहीं, मौखिक तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, आप मौखिक कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश का किसान कहीं भी अपनी अनाज को, सब्जियों को देश में कहीं भी उसे खुली आजादी दे दी है बेचने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे कि छोटे लघु सीमांत किसान हैं, उन पर एक क्यारी टमाटर है, एक क्यारी उन पर मूली है, एक क्यारी हरी मिर्च है, क्या उन सब्जियों को वो सिंगापुर ले जाएगा किसान बेचने? वो तो नजदीकी अपनी मंडियों में ले जाएगा बेचने, क्योंकि सिंगापुर बाहर विदेश में तो उन्हें ले जाने से रहा बेचने के लिए, क्योंकि फिर तो उसकी भाड़े में ही बिक जाएगी। फिर आप एमएसपी की कह रहे हैं कि एमएसपी पहले थी, आज भी है, आप उसे गारंटी क्यों नहीं दे देते? आज देश में देखिए कहीं भी एमएसपी पर खरीद नहीं हुई, पूरे देश के किसी भी कोने में, मंडी में, राज्य में, जिले में कहीं भी खरीद नहीं हुई। 2150 रुपए बाजरा की सरकारी रेट है, 1850 रुपए मक्के की है, 1868 रुपए धान की है, लेकिन देश में किसी भी किसान की एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है। इसीलिए आज देश का किसान अपने हक के लिए कि हमें एमएसपी पर गारंटी कानून देना चाहिए कि जिस तरह से ये एमएसपी से नीचे खरीद हो रही है, उससे नीचे कहीं भी किसी भी मंडी में कोई खरीद करता है
तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसे जेल में भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस कानून को देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बना रहे? अभी आज जो पीएम मोदी ने लाइव शो में जो कहा था, अपने स्पीच में कहा था कि 1,10,000 किसानों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं, जो सरकार ने जी आपके खाते में पैसे आए हैं। कुछ किसान कह रहे हैं कि हमारे खाते में तो पैसे आए जो सरकार ने भेजे, क्या आपके लोगों के किसानों के या फिर आपके खाते में पैसे अब तक आ पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो देश के किसी भी किसान ने इन पैसों की मांग नहीं की थी, क्योंकि देश का किसान जो देश का लालन पालन करता है 130-135 करोड़ नहीं 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 मैं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जी, 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 निवासी मैं मांग की नहीं कह रहा हूँ। आज पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों के लिए मैं काफी कुछ कर रहा हूँ और काफी कुछ करता आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज सरकार ने किसानों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने 1,10,000 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले, जबकि एक किसान के खाते में एक साल 60,000 रुपए आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ के लोगों किसानों के खाते में अब तक पैसे आए, या फिर सरकार या किसानों का विश्वास जीतने के लिए कह रही है? देखिए, ये योजना तो अभी कोई नई योजना नहीं है, पहले से भी पैसे बहुत किसान भाइयों के आए हैं, लेकिन अब इस तरह से जब देश का किसान इन कृषि बिलों के विरोध में जब वहां दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है, तो इस तरह से पहले कभी देश के प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से वर्चुअल रैली नहीं की। ये तो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को अपने विश्वास जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ 2,000 रुपये आप देते हैं और साल में 6,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, इनको ना देकर जिस तरह से कीटनाशक दवाएं हैं, जैविक खाद है और भी बहुत सारी दवाइयां जो कीटनाशक लगती हैं किसान की, और डीएपी यूरिया है बहुत उत्पादन करने के लिए जो किसान इस्तेमाल करता है, उनके पैसे कम कर दिए जाएं, एमएसपी पर खरीद हो, तो किसान को इन पैसों की कोई ऐसी आवश्यकता? बिल्कुल रामनिवास जी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने किसानों का विश्वास जीतने के लिए आज जो संवादना जताई है, क्या आपको लगता है कि जो 3 कृषि कानून है जो सरकार लेकर आई थी उनको वापस लिया जाएगा? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सरकार इस तरीके से वापस लेगी, क्योंकि किसानों को समझाने में लगी हुई है। नहीं देखिए, ये तो टालम टोल वाला मामला है और किसानों को स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में इस तरह से प्रताड़ित करना है, ये तो देखिए जिस तरह से सरकार हर जिले में पूरे देश में जितने भी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो सभाएं कर रहे हैं और किसानों को वर्ग लाकर उन्हें झूठा आश्वासन देकर दिल्ली भी ले जा रहे हैं, कृषि मंत्री जी से मिला रहे हैं, तो इस तरह से किसान बनावा किसान सरकार ऐसी नीति अपना रही है इस समय, जिस तरह से पूर्व में हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे कि फूट डालो राज करो, वही आज वर्तमान सरकार इसे करने पर आमदा है और जो पीड़ित किसान है और जो देश के किसान न्यायिक मांग के लिए दिल्ली की सड़कों पर पड़े उनके बीच नहीं आ रही है। एक और मेरा आपसे सवाल है रामनिवास जी, कि कुछ किसान ऐसे, अभी तस्वीर कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी कि मुजफ्फरनगर के किसान एक कृषि कानून से सहमत है, वो किस तरीके किसान है वो जो इस कृषि कानून से सहमत है? वो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो आपने देखा होगा कि वो जहां समर्थन के लिए भी गए हैं तो वो बस यही नारा लगाते हैं कि मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी से आज देश का जो किसान अपनी मांगों के लिए, इन बिलों को वापसी के लिए जो वहां पड़ा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी से कुर्सी छीनने नहीं गया है, उनकी कुर्सी छीनने नहीं गया है, उनसे अपनी न्यायिक मांगों के लिए, कृषि बिलों को वापस करने के लिए उन्होंने भी वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी ये समझे या उनके कार्यकर्ता या उनके जनप्रतिनिधि ये समझे कि नहीं साहब, ये हम लोगों से ही सरकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 130-135 करोड़ देशवासियों के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने किसानों के विश्वास जीतने की बात की थी, संवादना जताइए, 6 राज्यों में 1 करोड़ किसानों से आज संवादना जताइए, तो क्या
इस कानून को बदला जा सकता है? कृषि कानून को सरकार वापस लेगी या फिर किसान इसी तरीके से इतनी ठंड में कड़कड़ाके की ठंड में अपना आंदोलन जारी रखेंगे वहां पर, क्योंकि सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को जाड़े की उस दिल्ली के दरवाजे पे जो किसान हैं, जो डटे हुए हैं पूरी अपनी रीस में ताकि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, सरकार को नहीं दिखाई दे रही कि इतनी ठंड की कड़ाके की ठंड है कि किसान वहां पर कैसे पड़े। वहां पर जवान भी मौजूद है, हालात की जवान और किसान दोनों आमने सामने है, इतनी ठंड में वहां पर है, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही इतनी उसके बावजूद भी। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार की हट, सरकार ने जो हट लगाई है ये हट सरकार को नहीं लगानी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस किसान पर, गरीब पर, मजदूर पर हम राजनीति करते हैं, आज वही किसान दिल्ली की सड़कों पर, किसान की सरकार की दहलीज पर यहां पड़ा हुआ है। तो सरकार को किसानों के बीच आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सन 1989 में जब किसान आंदोलन हुआ था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी वोट क्लब पर जब 6-7 लाख किसान भाइयों के साथ वहां भीड़ इकट्ठा थी और वो इन्हीं वहीं अपनी न्यायिक मांगों के लिए जब वहां आंदोलन हुआ, तो देश की ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं थे जो उनके वोट क्लब पर, उनकी सभा में, उनके आंदोलन में नहीं आए। तो देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आज देश का पालनहार 130-135 करोड़ देशवासियों के लिए अन्न उगाने वाला आज अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़ा है, तो जी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात है वो लगातार आज भी गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार जो और किसान है और जगह से अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई मान लो अगर किसी कानून अगर किसानों के खिलाफ नहीं है, अगर उनके हित के लिए सरकार कोई कानून लेकर आई है, तो भाई इस सरकार फिर बात क्यों नहीं कर पा रही है किसानों से? फिर किसानों को रोक क्यों रही है आंदोलन से, दिल्ली जाने से रोक क्यों रही है? अगर किसान सरकार को लगता है कि किसानों को इस कृषि कानून से कोई परेशानी नहीं है, तो मेरा तो साफ कहना है कि किसानों को जाना, वहां पे जाने दिया जाना चाहिए। क्यों रोका है किसानों को वहां पर अगर किसी कानून सही गलत नहीं है तो? देखिए मैं आपको बता दूं, आप समाचार पत्र लगभग मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि वहां इस तरह वहां कुछ लोग तो इस तरह से इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए कि साहब वहां खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, वहां साहब किसान है ही नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब वहां किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं, तो ये 5 राउंड की वार्ता क्या उन खालिस्तानियों के बीच में हुई है? जब किसान आंदोलन में किसान नहीं है तो आपने ये 5 राउंड की वार्ता खालिस्तानियों से की है, आतंकवादियों से की है? देखिए इस तरह से किसान आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। और मैं समझता हूं जिस तरह से देश के हर कोने से, हर राज्य से, हर जिले से किसान आज भी दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है और किसान अपनी चौपाल भी लगा रहा है और दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी भी कर रहा है, और जब तक नहीं हुआ दिल्ली की सड़कों से उठेगा, जब तक ये 3 बिल वापस नहीं हो जाते और MSP पर गारंटी कानून नहीं बन जाता। देखिए अभी हमने कल देखा था सोशल मीडिया पर कि जिन किसानों को सरकार अपना बना के उनको बरगला के ले जा रही है, उनके लिए टोल भी खुल रहे हैं, पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक जी उनको अपनी गाड़ियों से, अपने भाड़े से, निजी खर्चे पर उन्हें दिल्ली ले जा रहे हैं, और देश के कृषि मंत्री जी से मिलाकर देश के किसान का भरोसा जीतने पर आमदा है। लेकिन देश का किसान अब जागरूक हो चुका है और इस लड़ाई को अपने बलबूते पर लड़ेगा, और जब तक नहीं मानेगा, जब तक ये 3 बिल वापस नहीं हो जाते और MSP पर सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम निवास रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो देखा आपने कि जिस तरीके से आज किसानों का आंदोलन 30वां दिन, 1 महीना पूरा हो चुका है किसानों को आंदोलन करते करते, और दिल्ली की कड़कड़ाके की दिल्ली की चौकटों पर किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने आज 6 राज्यों और 1 करोड़ किसानों के साथ संवादना जताई है, किसानों के विश्वास को जीतने की कोशिश की है। आप देखते हैं क्या कृषि कानून को जो सरकार लेकर आएगी, 3 कृषि कानूनों को क्या सरकार उनको वापस लेगी या फिर नहीं, किसान और सरकार आर पार है। खबरें लगातार होंगी, देखते रहिए प्राइम टाइम 24।